नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय। स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, भारत की एक मिसाइल तो दुश्मन संभाल नहीं पा रहे थे, अब भारत की एक ऐसी मिसाइल का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसके बाद दुश्मन की रातों की नींद तो छोड़िए आंतों का पानी तक सूख जाएगा। दुश्मन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को तो अभी तक संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस मिसाइल का अनाउंसमेंट हुआ, जितने भी भारत के दुश्मन हैं उनके यहाँ मातम फैल चुका है, और जितने भी भारत के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भारत जल्द से जल्द हमें ये मिसाइल दे दो। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल अब भारतीय साइंटिस्टों ने बनाना शुरू कर दिया है, और ये मिसाइल जैसे ही भारतीय सेना में शामिल होती है, चीन खुद ब खुद बॉर्डर से दूर हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इसी मिसाइल के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, एशिया में जब इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रैक्टिकल फोरम को आयोजित किया गया था तो उसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस के को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिथायब ने ये कहा है कि भारत और रूस मिलकर अब ब्रह्मोस के एक नए वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस एमए पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई कि आखिरकार ब्रह्मोस एमए कौन सी मिसाइल। भारत के दुश्मनों ने कहा कि अभी तक एक ब्रह्मोस मिसाइल को तो हम संभाल नहीं पा रहे थे, अब भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस एमए मिसाइल बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, निसंदेह ही हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस वक्त पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास इतनी पावरफुल मिसाइल नहीं है, यहाँ तक कि चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए चाहे आप चाइना को ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ा सा हैवी वेट कैटेगरी में आती है, यानी कि अगर हम अपने तेजस फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल को लगाना चाहें तो हम तेजस फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत अपनी इसी समस्या को दूर करने के लिए एक लाइट वेट कैटेगरी वाली ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार कर रहा है, और इसी मिसाइल का नाम ब्रह्मोस एमए रखा गया। बताया ये भी जा रहा है कि ब्रह्मोस काफी लाइट वेट कैटेगरी की मिसाइल होगी, उसके साथ साथ इसकी जो स्पीड और रेंज होगी वो बिल्कुल दिमाग से परे होगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक के आसपास बताया जा रहा है। कुछ हद तक जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है उसी कैटेगरी की ये मिसाइल होगी। काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि ब्रह्मोस एनजी के ही नाम को बदलकर ब्रह्मोस एमए रख दिया गया है। हालांकि दोस्तों, इस बात को लेके अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये मिसाइल 4.5 मैक की स्पीड के साथ आएगी। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होगी, और ये हमारे सभी फाइटर जेट के लिए वरदान साबित होगी। अब आप इसे चाहे SU-30 MKI में लगा लीजिए, उसके बाद चाहे आप इसे हमारे तेजस फाइटर जेट में लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों SU-30 MKI भी हमारी जो पुरानी वाली ब्रह्मोस है वो सिर्फ एक ही कैरी करके लेके जा सकता है। लेकिन ये मिसाइल अगर आ गई तो हम काफी बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइल को अपने फाइटर जेट में लगा पाएंगे। और दूसरा दोस्तों, दुनिया के जो भारत के मित्र देश हैं वो तो दोस्तों पूरी तरीके से भारत के पीछे पड़ चुके हैं कि भैया भारत हमें ये मिसाइल जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट की होगी, काफी अच्छा काम होगा, स्पीड भी इसकी अच्छी खासी होगी। लेकिन अभी इस मिसाइल को लेके इतनी ही खबरें निकल के आई। वैसे आप लोगों क्या लगता है भारत की ब्रह्मोस एमए मिसाइल को लेके, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप हमारी वीडियो को कहां से वॉच करते हो ये भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।